हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, ओके, और उसके आज का रिजल्ट भी आया, तो रिजल्ट भी देखेंगे और बायबैक से रिलेटेड भी न्यूज़ देखेंगे कि कब बायबैक होने वाला है, रिकॉर्ड डेट भी देखेंगे, डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है वो, उन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ और अलग पैरामीटर भी देखेंगे और उसे कंपेयर करेंगे एक स्टॉक के साथ। किसके साथ? अगर देखिए, अभी एक वीडियो बनाई है हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया था, मतलब जिस कंपनी के अच्छे रिजल्ट होते हैं ना, वो कंपनी आपको न्यूज़ वाले गिराते हुए दिखाई देते हैं और जिसके बेकार रिजल्ट होते हैं ना, वो अप करते हुए दिखाई देते हैं। बेकार इन द सेंस, मतलब अच्छे खासे रिजल्ट है बट इतने अच्छे नहीं है, बट अच्छी कंपनी के भी रिजल्ट को बेकार बता के वो गिरा देते हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड बातें करके हम देखेंगे, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। अगर हम बात करें ये कंपनी कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ, बट हम रिजल्ट देख लेते हैं। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के, ये इससे पहले Q4 के रिजल्ट है लास्ट ईयर के। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनकम, ओके, टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 217,356 लाख रुपीज़, इससे पहले 204,971, इससे पहले 186,446, मतलब ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, नो डाउट। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर देख लीजिए, एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं, 1,99,000, इससे पहले 1,80,000, और अगर लास्ट Q4 की बात करें तो 1,55,000। तो एक्सपेंस भी यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर अगर आप आते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पर 13,434 लाख रुपीज़, इससे पहले 17,480, इससे पहले 9,059 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट, मतलब ईयरली बेसिस पे कंपनी ने परफॉर्म किया है। क्वार्टरली बेसिस की बात करें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हमें नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स, ओके, एक्सेप्शन आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें होती है और बाकी एक्सपेंस, इन सभी चीज़ों के कारण यहाँ पर प्रॉफिट गिरता हुआ हमें साफ नज़र आ रहा है, तो इस बात को हमें ध्यान देना होगा। तो सेम ही अगर बात करें हैप्पीएस्ट माइंड, तो हैप्पीएस्ट माइंड के साथ भी सेम ही सिचुएशन थी, बट इसका कुछ चीज़ों को यहाँ पर बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर EPS की भी, तो EPS भी देख लीजिए, 1.30 रुपये का EPS है, इससे पहले 1.80 रुपये का था, और लास्ट की बात करें तो 85। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई है, यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है यहाँ पर प्रॉफिट। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर मायने रखता है और यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो चीज़ मायने रखती है जो कि ज़्यादा होता हुआ नजर आया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर बात करें शेयर्स की, देखिए ये सिंपल फ्लैट चल रहा था, न्यूज़ आई यहाँ पर भागता हुआ नजर आया, न्यूज़ में भी यहाँ पर अच्छा खासा इस शेयर को बता के और फिर ये बताया गया था कि बायबैक दिया है, अच्छे रिजल्ट आए हैं, ये आया है, तो ये शेयर भाग गया। बट दूसरे शेयर हैप्पीएस्ट माइंड को अगर दूसरी तरफ लेते हैं तो वो इसी तरीके से उसके बारे में थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ दी गई और वो गिरता हुआ हमें शेयर नज़र आया। तो इसी चीज़ से रिलेटेड अगर हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आपके सामने है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर है, तो इन्वेस्ट करने से पहले इस वॉलेटिलिटी को हमेशा देख लीजिएगा, ओके, स्मॉल कैप कंपनी है, ये शेयर गिरा है तो अच्छे अच्छे यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, इसके पहले यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे, बट कंपनी ने आपको अगर बात करें तो 15 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए नजर आई है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं, कंपनी का नाम है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। करती क्या है, तो ये टावल बनाती हुई नजर आती है और एक्सपोर्ट करती है 94% यहां पर देख लीजिए, इन द वर्ल्ड इट एक्सपोर्ट मोर देन 94% ऑफ इट्स होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट टू मोर देन 50 कंट्रीज, मतलब 50 कंट्री में 94% से ज्यादा इनका प्रोडक्ट जाता है। तो अगर बात करते हैं यहां पर कंपनी ने देखिए डिविडेंड तो दिया ही दिया है, इसके अलावा बायबैक भी दिया है। तो अगर बायबैक की बात करें, कंपनी का प्राइस अभी 101 रुपये चल रहा है और बायबैक है 120 रुपीज़, तो 120 रुपीज़ का इन्होंने बायबैक पे ये लाए, लगभग अगर बात की जाए तो 20% अभी के प्राइस से लगभग 20% यहाँ पर अप प्रीमियम पर यहाँ पर बायबैक लाया है, 200 करोड़ रुपये का ये बायबैक रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी याद रखना। अगर बात करें रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट देखिए डिविडेंड के अब
कि रिकॉर्डेड आई थिंक 26 है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 26 मतलब एक्स डेट 25, और आपको 25 से पहले आपको 24 मई को आपके अकाउंट में रहेगा डिविडेंड मिल जाएगा। सेम अगर बात करें यहाँ पर रिकॉर्ड डेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी रिकॉर्ड डेट क्या क्या है, इसका भी यहाँ पर कंपनी हैज़ फिक्स मे 26, ओके इट इज़ द नोटिफाइड द कंपनी हैज़ फिक्स मे 25 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो मतलब 26 मई को यहाँ पर रिकॉर्डेड है, वही 24 मई तक अगर आपके अकाउंट में शेयर रहेगा तो यहाँ पर बायबैक का आपको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और टेंडर के थ्रू यहाँ पर आपको शेयर जाता हुआ नजर आएगा, जैसे कि अगर बात करें आरती ड्रग्स में गया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और पैरामीटर, तो देखिए बायबैक ये न्यूज़ आती है इससे ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और ये शेयर आपको फिर दोबारा गिरता हुआ भी नज़र आ सकता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। बट बायबैक की न्यूज़ है तो जब न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली बात है, और बड़े शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पर रिकॉर्डेड वगैरह सब है, तो शायद ये शेयर आपको थोड़ा सा एक आध दिन भागता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी प्लेजिंग की बात करें, कोई प्लाजिंग नहीं है। डेट की बात करें 84% डेट है, इस बात को याद रखना। ROCE 13 और 16 के आसपास ROE है, और स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है कि गिरती भी तेज है और भागती भी तेज है, जैसे कि आपने देखिए आज के डेट में 10% भागी, उससे पहले गिरती अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी काफ़ी पॉइंट्स में यहाँ पर गिरती हुई भी नज़र आई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर मिले जुले ही नज़र आ रहे हैं, बट अगर बात करें पिछले एक साल की तो अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट कंपनी पेश करती नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी यहां पर बढ़ता हुआ कंपनी का नजर आ रहा है। बाकी यहां इस बार थोड़ा सा डल हुआ है क्वार्टरली बेसिस पर, बट ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा कंपनी ने यहां पर रिजल्ट पेश करते हुए नजर आया, तो यह भी कंसिस्टेंसी यहां पर भी दिखा रहा है, तो इस चीज को आप देख सकते हो। बट जैसे कि इसका ग्राफ है उसी तरीके से यहां पर प्रॉफिट और रेवेन्यू भी होता हुआ नजर आ, बट अगर रिजर्व्स की बात करें अच्छे खासे रिजर्व्स है, और उसके साथ साथ बोरिंग भी कंपनी के पास अच्छी खासी है। 2784 करोड़ की बोरिंग घटती हुई मैनर में दिखाई दे रहा है, बट घटती है फिर बढ़ती है फिर घटती है, तो ऐसी कंपनी जो अपने आप को ऊपर नीचे करते होता रहता है जिनमें बोरिंग, तो उससे थोड़ा सा दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है, तो बेफालतू में वहाँ पैसा क्यों लगाना जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होने का सा हो सकती है। कैश की बात करें 224 करोड़ का कैश है, ओके ट्रेड रिसीवेबल 1095 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल भी मिला है। कैश फ्लो की बात करें कंपनी का अच्छा खासा कैश फ्लो भी है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 70% शेयर प्रमोटर्स के पास है, जो कि जून 2020 में उन्होंने बढ़ाए थे। अगर बात करें FIs के पास 5.9 है, उन्होंने हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है। DIs की बात करें यहाँ पर 7.25 है, सेम ही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग हमें नज़र आती है। इसके अलावा टावल से रिलेटेड आई थिंक ट्राइडेंट भी कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, तो उसका भी रिजल्ट कल परसों की डेट में आने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न तो कुछ खास बनता हुआ नज़र नहीं आता, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑल टाइम हाई पे कंपनी ऑलरेडी चल रही है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना चाहिए, वरना कभी भी ये शेयर गिर सकता है। तो ओके, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देते हुए रिजल्ट अच्छे खासे ठीक ठाक आए हैं ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे गिरावट है, इस बात को भी ध्यान देना। और बाकी बायबैक से रिलेटेड न्यूज़ है, 120 रुपीज़ का बायबैक, 26 रिकॉर्ड डेट, 24 तक आप खरीद लीजिएगा तो बायबैक मिल जाएगा, बट इसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। स्टॉक का नाम है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे आती रहे। So thank you so much. God bless.